कितनी उनकी बीवियां एक वक्त में? माशाल्लाह से उनकी दो बीवियां, एक मैं और एक और है उनकी। लेकिन मुझे अपने मियां से भी नफरत है। मुझे पता चला इसकी बीवी है, मुझे पता चला तब ऑलरेडी उनकी बेटी हो चुकी। Oh, पहला no. लफ्ज मेरे मुंह से निकला, क्यों मेरे साथ ये किया है? लास्ट स्टेज पे थी पहली बीवी। क्या आपने ऐसा गुनाह कर दिया कि आपको ये सजा मिली है बंदे की शक्ल में? ये तो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। मर्द मीठी मीठी बातें करके औरतों को पसंद है। मैं मर्द दूसरी शादी करता क्यों? क्योंकि वो पहली से खुश नहीं होता। आपने खुश क्यों नहीं रखा अपने शोहर को? एक्सक्यूज मी, मैं दूसरी हूँ। इतनी नफरत छुपाए बैठी हो, क्यों मर्दों से तुमको प्यार नहीं? कोई भी आता है तेरे सामने, उस बेचारे की फिर खैर नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, मेरे साथ हुमा मौजूद हैं जो कि मर्दों से नफरत करती हैं। जिधर मर्द नज़र आ जाए गुस्सा आ जाता है इनको, इनका खून खोलने लग जाता है, ये मर्दों की फेंटी भी लगा देती हैं, इतनी नफरत करती हैं। जिधर नाम सुन लें इनको गुस्सा आ जाता है। इनसे जानते हैं इतनी नफरत क्यों है। मर्द तो जो होता है वफा का पुतला होता है, बेचारा सारा दिन काम करता है बीवियों के लिए, वफा का पुतला होता है, वफा की अलामत होता है, फिर भी ये नफरत करती हैं, क्यों करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो जैसे ही मुझे पता चला काका आ रहे हैं, काका, मुझे तो लगा कि मुझे गोद में लेके काके को इंटरव्यू देना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो काका नहीं, काके के वाले साहब लग रहे हैं। आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है अगर आप चाहें तो अभी? हाँ नहीं नहीं, मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ था? आपकी शादी हुई है? हाँ जी, माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, 1 बेटा है। लेकिन मुझे अपने मियाँ से भी नफरत है। उनको आपने अभी तक उड़ाया क्यों नहीं? बच्चों की वजह से? बच्चों की वजह से बात है, बच्चों का बाप है, मैं उनके बाप का साया तो नहीं ना छीन सकती। हाँ। इसलिए अभी तक छुट्टे हुए हैं। उनको बताया कि मुझे तुमसे नफरत है? आज बता रही हूँ सरेआम कि मुझे आपसे नफरत है। उन्होंने एक्शन ले लिया तो? कर ले एक्शन, मैं तो चाहती हूँ एक्शन ले मेरे पे। आपके खिलाफ पूरी कैंपेन हो सकती है, मर्द हजरात खड़े हो सकते हैं। खड़े हो जाए, आजे मैं सबका मुकाबला करूंगी, आए सारे खड़े हो जाए। अगर लड़कियों ने आपका साथ ना दिया तो? मुझे किसी का साथ चाहिए भी नहीं, मैं अकेली काफी हूँ। मुझे ये बताएं, अगर लड़की वफा का पुतला होती है तो लड़की उस मर्द को देख के शादी या प्यार क्यों करती है जिसके पास पैसा भी होता है, गाड़ी भी होती है, आईफोन भी होता है, वो वफा क्यों तलाश नहीं करती, वो लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड तलाश करती है? Oh, no. ये लड़कियों की बेवकूफ़ी। हाँ, ये बेवकूफ़ी है। अच्छा, मैं फिर भी यही कहूँगी लड़कियों की ये बेवकूफ़ी है, लड़कियाँ मर्द का पैसा दे के, उसका लाइफस्टाइल दे के, गाड़ी दे के, आईफोन दे के अगर वो कर रही हैं इस तरह, तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। मैं उनको यही कहूँगी, बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटी हो, जो भी हो, आप अपने दिमागों को खोलो, आँखों को खोलो, बंदे को पहचानो, बंदे नहीं अच्छे, नहीं अच्छे, नहीं। लाइफ में कितने धोखे मिल चुके हैं? ओह माई गॉड, मुझे एक ही धोखा मिला। कौन सा? वो मेरे अपने मियाँ से। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने भी शादी की तो बस धोखा ही है। नहीं, आपको अंदर से कोई ख्याल नहीं आया? एक को तो मैंने खूब जूतियों से मारा था, खूब मारा था। अब जो उनकी मिसिज उनके साथ रह रही हैं उनको तो मैं नहीं मार सकती क्योंकि वो तो निकाह में है। कितनी उनकी बीवियाँ एक वक्त? माशाल्लाह से उनकी 2 बीवियाँ, एक मैं और एक और है उनकी। आपसे बातचीत करते हैं? हाँ जी बिल्कुल बातचीत करते हैं। इंटरव्यू के बाद बिल्कुल नहीं करेंगे? ना करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना करें। Oh, no. ये बताएं कि इस माशरे में मर्द से काम तो पड़ते रहते हैं, हर फील्ड में मर्द हैं, तो अगर आप सबसे नफरत करेंगे तो काम कैसे चलेगा? आपका काम भी नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? मैं उनको अपनी नफरत का इजहार नहीं करूंगी जब मुझे उनसे काम होगा। फिर आप मतलब ही है ना, आप सेल्फिश निकले। आपको पता था आपके मर्द की पहली शादी हुई है, आपने दूसरी क्यों की? एक्सक्यूज मी, मैंने अभी बताया है कि मुझे नहीं पता था कि उसने शादी की पहले मैं। आपसे छुपाकर आपसे भी कर ली? जी। आपको जब पता चला इसकी बीवी है? मुझे पता चला तब ऑलरेडी उनकी बेटी हो चुकी थी। क्या टाइम था, क्या घड़ी थी, क्या हो रहा था, आपको चीजें क्या लग रही थी, आसमान कैसे टूटा, कैसे कयामत गिरी? ये गुड क्वेश्चन है। मैं उस टाइम सोचे कि ऑलमोस्ट कोमे में चली गई, यानी मैं डायरेक्ट 3 दिन हॉस्पिटल में रह के आई थी। जब मुझे पता चला शॉक में चली गई थी। जब आपको होश आई तो पहला लफ्ज क्या बोला? Oh, पहला लफ्ज मेरे मुंह से निकला, क्यों मेरे साथ ये किया है? क्या सफाई आई? मजबूर था। क्या मजबूरी थी? लास्ट स्टेज पे थी पहली बीवी। क्या मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो? नहीं, ये नहीं मुझे पता, बहरहाल मजबूर था, घर वालों की मर्जी थी, कर ली सो कर ली। अच्छा, उसके बाद जब आपको पता चल गया इनकी शादी हुई है
जो दोनों सौतने हैं वो आपस में कभी मिली हैं? हाँ जी, अभी भी माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। बच्चे भी मेरे पास आते हैं, मैं भी उधर जाती हूँ। सास बड़ी अच्छी है, मेरी जेठानी बड़ी अच्छी, सब बड़े अच्छे हैं। अब आके पूरे 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 आप कह दें कि 15 साल के बाद मैं उन लोगों से मिली हूँ और बड़े अच्छे तरीके से मिल रही हूँ। सास भी अच्छी हैं, जेठानी भी अच्छी है, सौतन भी अच्छी है। जिधर जिधर खातून का लफ्ज़ आता है, औरतों का लफ्ज़ आता है, वो अच्छे हैं, बंदा नहीं अच्छा। बंदा अभी भी नहीं अच्छा। अगर आपको अच्छा करवा दें तो? करवा देंगे तो मैं फिर बंदों के आरतियां उतारूंगी। जा एक तरीका बताता हूँ, आपका बंदा बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ जी बताएं। 15 पे कॉल करनी है, वो ले जाएंगे। आगे आपने थोड़ा सा निजाम करके उनको कहना है इसको जरा ठीक कर दो। डन है, मैं कर लूंगी। ठीक, सही सलामत आ गया तो आपके पाँव धो धो के पिए। कभी भी नहीं करेगा, वो बहुत बिगड़ा हुआ है। आते खराब हो चुकी हैं बहुत ज्यादा। अब आगे किसकी तरफ देख रहे हैं, तीसरी चौथी की? देख रहे होंगे किसी ना किसी की तरफ, ध्यान तो उनका होता नहीं घर पे। अच्छा, आपने अपने दिल को समझा लिया, करनी जाओ कर लो। जो कर लिया मैंने, कहा ओके हो नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 18 साल। 18 साल में कितनी दफा रोई है? तेरी रातां नंग दिया, लंबी जुदाई, 4 दिन आदा प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई, दूसरी फसाई, तीसरी ब्याही। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइफ में ऐसा क्या हुआ था, क्या आपने ऐसा गुनाह कर दिया कि आपको ये सजा मिली है बंदे की शक्ल में? अब ये तो अल्लाह को पता है मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा मुझे अभी तक मिल रही है, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा, मर्द बाहर उजाड़ता पैसे, उनको फंसाने वाली कौन है? मर्द मीठी मीठी बातें करके औरतों को फंसाता है। औरत क्यों अट्रैक्ट करती है फिर मर्द को? अगर औरत ना हो तो मर्द किसको फसाएगा? मुझे औरत मासूम है, वो उसी मासूमियत वाली। नहीं नहीं, वो बातों में आ जाती है, वो कहती है पता नहीं इससे आगे कुछ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। वो मर्द ऑलरेडी पता नहीं किस किस को अपने पीछे लगा के बैठा हुआ है। सिग्नल नहीं मिलता तो उसकी मजाल ही नहीं है किसी से बात कर दे। मर्द ऐसा कुछ करता है कि औरत ऑटोमेटिकली मर्द की तरफ अट्रैक्ट होती है कि पता नहीं इस क्या चीज़ है क्या नहीं है। आप औरतों की वकालत कर रही हैं कि मर्द बेवफा होता है, जो लड़कियां बेवफा होती हैं उस पे क्या कहेंगे? Oh, no! जो लड़कियां बेवफा होती हैं ना वो बेचारी मजबूरी से होती है। बेचारी उधर डाल रही है, इधर आपने फायर मार दिया है। देखिए वो बेचारी ही है, वो बेचारी ही है, लेकिन मर्द जो है वो डबल गेम खेल रहा है। मर्द वो डबल गेम खेल रहा है। लड़कियां डबल गेम नहीं खेलती? नहीं नहीं, लड़कियां कुछ खेलती हैं लेकिन मोस्टली मर्द। मर्द अपनी बीवी से प्यार करते हैं जो एक के होके रहते हैं, उनके लिए भी कुछ बोले ना। उनके लिए मैं ये बोलूंगी कि वो मैं हूँ। हाँ, मैं उनके लिए बोलूंगी वो दुनिया के बहुत अच्छे इंसान है, उनकी यहाँ पे भी और आखिरत में भी बहुत अच्छा उनके लिए होना है। पता है मर्द दूसरी शादी करता क्यों है? क्योंकि वो पहली से खुश नहीं होता। आपने खुश क्यों नहीं रखा अपने शोहर को? एक्सक्यूज मी, मैं दूसरी हूँ। आप दूसरी हैं? हाँ जी। अब वो तीसरी तरफ जा रहे हैं या नहीं? चले गए हैं। Okay, आपका बेटा भी है माशाल्लाह। उसकी कैसे तरबियत करेंगी, कौन से वाला मर्द बनाएंगी उसे? उसको मैं बहुत अच्छे वाला बनाऊंगी और उसे मैं बताऊंगी बेटा आपने अगर शादी करनी है एक से करनी है, आप दो भी करो लेकिन दोनों को मेरी नजरों के सामने रखना, ताकि मैं तुम्हें ये बताती रहूं कि इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो, दोनों को एक जैसा रखो। इंसाफ क्या है दोनों में एक जैसा, मतलब कि मुझे ये बता। अगर उसको सूट दिया उसको भी दो, अगर उसको खाने को दिया उसे भी दो, अगर उसे ले गए उसे भी ले। सारी बात है ना, जिसके पास पैसे होते हैं एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वही शादी करता है दूसरे भी। पैसे नहीं वो शादी करता क्यों है, उसे तकलीफ क्या शादी? एक बात का जवाब दें आज आपके साथ, मैं वकालत कर रहा हूँ मर्दों की। तेरे वकालत मुझे ये बताएं, एक लड़की है उसे पता है कि इस बंदे की शादी हो चुकी है, फिर वो उस बंदे से क्यों अफेयर चलाती है? अच्छा फर्ज करें एक लड़की है उसे पता है कि अभी तक इसकी शादी नहीं हुई और उसका अफेयर चल रहा है, ठीक है, और उसी अफेयर में वो बंदा शादी करके और छुपा के बैठा है, तो वो लड़की वहाँ पे क्या करे? लड़की को जब पता है कि शोहर की शादी हो चुकी है उसके, लड़की को नहीं पता ना, मैं वो पूछ रही हूँ कि अगर फर्ज कर उसने लड़की को बताया ही नहीं मेरी शादी हुई है। लड़की यहाँ पे मर्द गलत है, यहाँ पे गलत है। अगर किसी लड़की को पता है कि इसकी शादी हो चुकी है मैं उसके घर में इंटरफेयर कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, वो कहती है फिर लड़की गलत है। अगर लड़की सौतन को बोलेंगी ना मेरे मर्द पे आपने कब्जा क्यों किया है, वो आपको ये बोलेगी कि अपने मर्द से पूछो जाके वो मुझ पे मरता है। डेफिनेटली यही बात है, यही बात है। मर्द मरता किस किस अदा पे मरता? मैंने भी पूछा था ना उस लड़की से, मैंने कहा तुम इसके पीछे क्यों? कहती मैं इसके पीछे नहीं, वो तेरा मियां मेरे पीछे है। चैट पढ़ा दी फिर आपको? Oh, no! आपने अपने हाथ से फेंटी लगाई है 2-3 ऐसी लड़कियों को जो आपके मर्द के पीछे थी, एक दफा आपने टका के अपने मर्द की लगाई होती तो उसकी जरूरत ना होती। ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि मैंने अगर उसकी लगाई होती तो फिर ये यहाँ तक नौबत ना, आप भी यहाँ ना होती, मैं भी यहाँ ना होती, मैं भी डेफिनेटली कहीं और ही पहुंची होती। इस इंटरव्यू के बाद आपने क्या क्या सफाइयाँ देनी है ये मुझे? मैंने कोई सफाई नहीं देनी, ठीक है, मैंने जो मेरे दिल में था मैंने बोल दिया, किसी ने
जहर लगती हूँ किसी को या किसी को शहद लगती हूँ, वो उनकी मर्जी। अच्छा ये बताएं, अगर आप मर्द होती तो क्या करती? मैं मर्द होती तो मैं जिससे भी प्यार करती उससे दिल से करती, उसे फूलों की तरह रखती, उसकी जरूरत की हर चीज उसे घर बिठा के। एक ही शादी करती? एक ही करती। आपके मर्द ने दो की है ना? मेरे मर्द ने की है ना। मैं मर्द अगर होती तो मैं अगर दो भी करती ना तो भी मैं दोनों को एक ही घर में रख के उनको तमीज से रखता। जी नाज़रीन, आपने देखा हुमा की बातें आपने सुनी, मर्दों से कितनी नफरत करती हैं। असल में वजह कुछ और थी, इनसे शादी की इनके शोहर ने, उनकी पहले भी एक बीवी थी, इनसे छुपाकर शादी कर ली। पहले भी वो शादीशुदा थे, जब इनको पता चला हॉस्पिटल में चले गई, उसके बाद मर्दों से इतनी नफरत कर बैठी हैं कि किसी पे यकीन नहीं करती, किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, कहती हैं कि बस खवातीन ही हैं। जब हमने खवातीन का पूछा, वो लालची होती हैं, उस पर इन्होंने पर्दा डाला, डंडी मारी थोड़ी सी, मर्दों के खिलाफ हैं, औरतों की फेवर में हैं। अब हम देखते हैं हम सही सलामत यहाँ से निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते। अल्लाह हाफिज़।